घोस्ट रियल फिक्शन उंगली खिंचवानी पड़ेगी। बट उंगली खींचे ओ मिस्टर उंगली खींचू, आप अपनी उंगली को से मुट्ठी में बांध के 2 मिनट कंट्रोल में रखिए, ओके? क्या ओ पंचर, क्या ये GOSHT गोश्त? गोश्त का मतलब होता है मटन। अरे हम लोग शाकाहारी हैं, बट तू भी ना बे ये चालर, ये गोश्त है, गोश्त भूत भूत अंग्रेजी का भूत गोश्त। अरे ओ अंग्रेजी के दुश्मन, GHOST गोश्त होता है गोश्त, गो गो गोश्त मतलब भूत। देखो भाई बंदू कहते कि घोस्ट नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता, घोस्ट प्रॉपर इंग्लिश वर्ड है राजेश भाई। अब कुरियर कंपनी के मैनेजर होकर इतना भी नहीं पता आपको? फट ये अहमदाबादी अड़ियल, राजेश भाई वास्तव में बात कर रहे हैं। राजेश भाई कहना चाहते हैं कि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं। हाँ। है घोस्ट घोस्ट। एक मिनट मिनट, अच्छा तो आपको क्या लगता है भूत होता है नहीं होता है? बकवास सब बकवास। अरे मन के डर को आकार देकर कल्पना को सच मान लेना, इसका मतलब होता है भूत। ओ पंटर यू तो लाइक दैट ओनली। अरे हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, पुरानी किताबों में सब जगह भूत प्रेत का वर्णन है। मेरी यम की दोस्त है ना खड़कवासला, बट यामिनी भाभी की फ्रेंड का नाम खड़कवासला? हाँ क्योंकि वो खड़कवासला के पास पैदा हुई थी ना, तो भाकरा नंगल के पास पैदा होती तो ए भाकरा, तो भाकरा नंगल ऐसा नाम रखते या हावड़ा ब्रिज। वेरी फनी। ओ राजेश भाई मेरी बात पे ध्यान दीजिए। सुन रहा हूँ। वो खड़कवासला है ना, उसका एक जेंट्स भूत के साथ वार्तालाप हुआ था। एक बार खड़कवासला हमारे अहमदाबाद के माणिक चौक में पानी पूरी खा रही थी, 5-5 पानी वाली पानी पूरी। तभी पास में एक जेंट्स भूत मसाला डोसा खा रहा था। उसने बोला ए तू क्या कर रही है? तो उसने कहा कुछ नहीं मैं पानी पूरी खा रही हूँ, तू क्या कर रहा है? उसने बोला मैं मसाला डोसा खा रहा हूँ। खाएगी मसाला डोसा? वो मसाला डोसा खा रहा था, बताओ डोसा हाँ एक अच्छा वर्ड है डोसा, उसके ऊपर आप अनुस्वार क्यों लगाते हो? अनुस्वार लगे तो ढोंसा क्यों कर दे दो आप लोग? वो कुछ भी बकवास कर रहा है, पेकू शेष दापू पूरा कि जेंट्स बूट डोसा खा रहा था, सॉरी डोसा खा रहा था, एक्स्ट्रा चटनी वगैरह ले रहा था। अरे सही तो बोला डोसा। व्हाट सर? हाँ वो मालपतिया जी और दासानी जी आ गए अपना सामान लेके, उनकी एंट्री वेंट्री करवानी पड़ेगी ना साहब। वेरी गुड तिवारी, बिना एंट्री के उनको अंदर मत आने देना। और हाँ उनको बोलना सामान सीढ़ियों से लेकर जाए ना कि लिफ्ट से, डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। रुको मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, फॉलो मी। झालर एक नंबर का। आइए सर। ये है फ्लैट नंबर 902। सुपर्ब सर, 1 महीने के लिए इससे अच्छा क्या मिल सकता है? आई नो 1 महीना, 1 महीना टिक पाएंगे आप यहां? ऐसा क्यों कहा आपने साहब? बात यह है कि यहाँ जितने भी किराएदार आए ना, उसमें से कोई भी 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। नहीं नहीं दासानी, पक्का तुमने सपना ही देखा होगा। रात को जो सारा हंगामा हुआ उसके बाद हम लोग वापस सो गए थे, उसके बाद मुझे भी ऐसा सपना आया था जैसे वो सनी की आत्मा मेरे अंदर घुस गई है। मारफतिया जी कुछ तो गड़बड़ है, हमारे उस फ्लैट में वो सनी मरी थी, मुझे लगता है उसकी आत्मा अभी तक वहीं भटक रही है। आई नो पूछे
तिवारी जी नमस्ते। नमस्ते सर। वो एक बात बताएंगे? अरे साहब क्यों नहीं बताएंगे, हमारी जानकारी में होगा तो जरूर बताएंगे। आई नो, वो सनी जो मर गई थी आत्महत्या करके 9वें माले पे। हाँ, वो कैसे मरी थी? वो आत्महत्या करके मरी थी साहब। आई नो। मार्फतिया जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो उसने किस तरह से आत्महत्या की थी। हाँ। अरे साहब वो हमको कैसे पता होगा, 20 साल पुरानी बात है, हम यहाँ थोड़े ही थे। तो कहाँ थे? हम तो अपने गांव में थे साहब, गंगा किनारे 10 किलोमीटर रोज दौड़ लगाते थे आर्मी में भर्ती होने के लिए साहब। पर साहब हमारा नसीब खराब था, वो क्या हुआ कि कुत्ता पीछे पड़ गया, हम गिर गए, हमारी टांग टूट गई। अब सरहद पे तो नहीं, यहाँ साईं दर्शन में चौकीदारी कर रहे हैं साहब। लेकिन आप अगर यहाँ थे ही नहीं तो आपको कैसे पता चला कि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ सनी नाम की एक औरत ने आत्महत्या की थी? वो तो साहब जोशीपुरा साहब ने बताया ना हमको। पर साहब उस प्लेट में जो भी आता वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है साहब, मुझे तो लगता है उस प्लेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तिवारी जी, जी, जी सर। व्हाट, अफवाहें क्यों फैला रहे हो? ऐसा नहीं मार्फतिया, देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अब किराएदारों का क्या है, वो तो यूं ही यहां वहां भागते रहते हैं, अब सबकी अपनी अलग अलग वजह होती है। अब एक किराएदार ने कहा कि उसने बेसिन के नल में से खून बहते देखा, दूसरे ने कहा कि एक रात वो सो रहा था तो अचानक सनी की आत्मा आई और उसे उठाया और बोली आओ हम लोग मिलके छुपम छुपाई खेलते हैं। बट पर किराएदार ऐसे बोलते रहते हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तिवारी जी, अरे लेकिन जोशीपुरा जी आपने भी तो कहा ना कि आपको भी लगता है कि वहाँ ऊपर सनी की आत्मा भटक रही है। हाँ मुझे तो लगता ही है, क्योंकि वो अफवाह थोड़ी है, मुझे तो यकीन है। पर वो तो मुझे यकीन है ना, आप लोगों को यकीन थोड़ी है, तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? आप लोग टेंशन मत लीजिए, ओके? और वैसे भी आप लोग तो केवल एक महीने के लिए रहने आए हैं ना, तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हे तिवारी। जी जी सर। बट ऐसी अफवाहें मत फैलाओ, ओके? खुश नहीं है तिवारी, आई मीन मालवतिया, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? टेक केयर, केला पूरा खाओ। ब्रो हमने जॉय को नहीं डराया, फिर भी उसकी मम्मी ने हमारी कंप्लेंट कर दी और हमारे पेरेंट्स से हमें डांट खिलवा दी। ब्रो इसका बदला तो बनता है। ब्रो रिलैक्स, तुझे क्या लगता है सिर्फ तुझे ही बुरा लग रहा है? तू डर मत, तेरे ब्रो ने ब्रिलियंट प्लान बनाया जिससे जॉय खुद बोलेगा कि मैंने झूठ बोला है। सुन लायन ने रोर किया लेकिन मैं जरा भी डरा नहीं। ब्रो प्लान को एक्शन में लाने का टाइम आ गया, चल। मतलब सच्ची का लायन? और नहीं तो क्या, वो सब मेरे आगे आगे बकरी की तरह चल रहे थे और उनमें से लाश वाली की तो मैंने ऐसी पूंछ मरोड़ी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।